बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक व सल्लम व सलीम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने रेस्टिव मेम्ब्रेन टेंशन पढ़ा था। रेस्टिव मेम्ब्रेन टेंशन जो है वो बेसिकली सोडियम पोटाशियम पम्प्स पैदा करते हैं कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जब तीन सोडियम आइंस को जो है वो अंदर भी सॉरी बाहर भेजते हैं और दो पोटाशियम आयंस को अंदर भेजते हैं तो उसके नतीजे में बाहर वाली साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है इन साइड के मुकाबले में। तो इस तरह से जो है वो एक चार्ज सेपरेशन से मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक टेंशन यानी मेम्ब्रेन टेंशन सेटअप हो जाता है। उसे हम रेस्टिव मेम्ब्रेन टेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो है वो किसी किस्म का कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता। तो इस रेस्टिव मेम्ब्रेन टेंशन को पोलराइज स्टेट भी कहते हैं और यानी वो फिनोमिना जिससे ये रेस्टिव मेम्ब्रेन टेंशन एस्टेब्लिश होता है उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, जिसमें बेसिक एक्टिविटी किसकी है, सोडियम पोटाशियम पंप की। अब बेटा जी, नर्व इम्पल्स कैसे पैदा होती है और वो कैसे रन करती है, ठीक हो गया ना? ये आज का हमारा लेक्चर है। इसका हमने नर्व इम्पल्स एपिसोड 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो बड़े पहले जो मैंने इसकी एक डेफिनेशन बनाई है ये आपने नोट कर लेनी है किताब में, फिर वही लंबी चौड़ी बात है, मैंने उसको मुख्तसर कर दिया है। स्टिमुलस चेंजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल आर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच इज एक्चुअली नर्व इम्पल्स। वो एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही असल में क्या है, नर्व इम्पल्स है। द एंड फ्लोज फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन, ठीक है ना जी, डेंड्राइट्स टू एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक हो गया जी। ये होगी डेफिनेशन, ये कैसे पैदा होता है और ये किस तरह से रन करता है। आए शुरू करते हैं, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक हो गया ना जी। तो बड़े नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है स्टिमुलस, ठीक हो गया ना जी। वो क्या है, स्टिमुलस है। तो बड़े स्टिमुलस कब पैदा होना है, स्टिमुलस पैदा होना है जब नर्व, देखिए ये मिसाल के तौर पर जो है ये आपके सामने फर्ज कर लेते हैं कि ये एक एक्सोन है या कोई डेंड्राइट है, या डेंड्राइट समझ ले ये है, ठीक हो गया ना जी, या डेंड्रोन का कोई नर्व फाइबर उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने ले लिया है, ठीक हो गया ना जी। तो अब मैंने क्या किया, उस मेम्ब्रेन को ना यहाँ से ऐसे कट कर दिया है ताकि आपको अंदर वाली साइड भी दिखा सके। तो ये कौन सी साइड बन गई है, ये इनसाइड बन गई है, और ये क्या बन गई है, ये आउटसाइड बन गई है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी पोलराइजेशन में यानी पोलराइज स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि बाहर वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना जी। बाहर वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अंदर वाली साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक हो गया ना जी। अब मिसाल के तौर पर जो है ये हमारे कोन सेल्स में पाए जाने वाला कोई डेंड्रॉन का फाइबर है, या हमारे ईयर्स में पाए जाने वाला कोई डेंड्रॉन का फाइबर है, ठीक हो गया, या नर्व एंडिंग है, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से हमारे स्किन के अंदर कोई सेंसरी नर्व एंडिंग है जिसका यानी कि ये डेंड्रॉन वाला हिस्सा है, वहां पर लगा है स्टिमुलस। इस जगह पे क्या लग गया है, स्टिमुलस। तो इस स्टिमुलस के लगने से बाहर वाली साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक हो गया ना जी। बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, अंदर वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वो जगह जो है जहां पे नर्व क्या हो गया है, आप देख सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो गया है एक ब्रीफ इंस्टेंट के लिए। उस जगह को हमने क्या नाम देना है, एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम देना है, एक्शन पोटेंशियल। इधर सेल बॉडी है, ये याद रखिएगा, इधर क्या है, सेल बॉडी है। ये हमने किसका बनाया हुआ है, ये जो है वो नर्व एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक हो गया ना जी, ये हमने बनाया हुआ है। तो इस तरह से है। तो अब एक्शन पोटेंशियल इधर को रन करेगा, कैसे रन करेगा वो, अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि स्टिमुलस लगने से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में तब्दील हो जाता है। ये तो बड़ा ही सारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, हाउ इट हैपेंस, ये कैसे होता है। तो आए जरा
उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस की बात करनी है हमने, वो स्टिमुलस जो के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर सके, उस स्टिमुलस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मैं यहां से बता रहा हूं, मिनिमम मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स को स्टार्ट करने के लिए दरकार होती है, उस कम से कम मकदार स्टिमुलस की को हम क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। अब बेटा जी लेट्स सपोज के यहां पे थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस ही लगा, ये एरोज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टिमुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कम से कम थ्रेशहोल्ड तो जरूर लगा। अच्छा जी, उसके नतीजे में आपको मैंने बता दिया कि ब्रीफ ड्यूरिंग फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट, आपकी किताब में ये बातें लिखी हुई हैं कि फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट जो है इट रिजल्ट्स इन ए रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज इन रेस्टिंग मोमेंटम टेंशन, डिसअपीयर्स फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यू पोटेंशियल कॉल्ड, ठीक है ना जी, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स। ड्यूरिंग दिस स्टेट इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम्स मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड, ठीक है ना जी, एंड अ पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज, और पूरी मेम्ब्रेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है, ठीक है ना जी, वो इज इन द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में मौजूद होता है, ठीक है ना जी। और वो क्यों, क्योंकि नर्व इंपल्स एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में, मिली सेकंड के भी कुछ हिस्से में जो है वो मेम्ब्रेन की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, ठीक हो गया ना जी। कैसे शिफ्ट होती है वो आपको बताते हैं, अभी तो सिर्फ आपको ये बताया कि स्टिमुलस लगना है और उससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तब्दील होना है, लेकिन कैसे तब्दील होना है वो भी बताना है, और फिर आगे कैसे चलना है वो भी बताना है। चलें जी, तो अब बेटा जी जो है रिप्लेसमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से होगी, तो मेजर फैक्टर्स, बेटा मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्विंग इन चेंजिंग द यानी रिप्लेसिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल टू जो है ऑफ टू एक्शन पोटेंशियल, वो मेजर फैक्टर्स कौन है, सोडियम पोटाशियम मूवमेंट्स, पहला कौन आ गया, सोडियम पोटाशियम मूवमेंट। तो बेटा जी जरा तवज्जो रखिएगा, सोडियम पोटाशियम मूवमेंट्स के नतीजे में क्या होता है, सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। देखें जी, कहा जाता है कि जिस तरह से सोडियम पोटाशियम पंप्स पाए जाते हैं, इसी तरह से न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, वो फिजियोलॉजी, वो बायोलॉजिस्ट जो के जो है वो न्यूरॉन की फिजियोलॉजी को, फंक्शनिंग को समझते हैं, स्टडी करते हैं, उनको न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, उनके मुताबिक जो है वो लिपिड बाय लेयर ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन के अंदर जगह जगह पे क्या पाए जाते हैं, सोडियम गेट्स पाए जाते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप्स भी और साथ साथ क्या पाए जाते हैं, सोडियम पोटाशियम गेट्स पाए जाते हैं। ये सोडियम पोटाशियम गेट्स क्या करते हैं, ये सोडियम पोटाशियम गेट्स जब स्टिमुलस लगता है ना, तो उस स्टिमुलस के लगने के जवाब में, उस स्टिमुलस के लगने के जवाब में ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, आपको वीडियो में भी नजर आ रहा होगा, और इस तरह से क्या हो जाता है, सोडियम आयंस मूव इनसाइड और डीपोलराइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो जाती है, और अंदर वाली साइड जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाती है बाहर वाली साइड के मुकाबले में। तो इस तरह से एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस के लगने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी नर्व इंपल्स पैदा होती है। इधर किताब से पढ़िएगा जी, द पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस मूविंग इनवर्ड अपसेटिंग द पोटेंशियल इमोमेंटेरली, लम्हाती तौर पर, इंस्टेंटेनियसली, मोमेंटेरली, लम्हाती थोड़े सेकंड के कुछ हिस्से के लिए, मेकिंग द इनसाइड मोर पॉजिटिव देन इनसाइड। न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड परमेबिलिटी इज ड्यू टू ओपनिंग, परमेबिलिटी क्रॉस करने की एबिलिटी, ठीक है ना, इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर्स इन द मेम्ब्रेन टर्म्ड एज सोडियम गेट्स, टर्म्ड एज सोडियम गेट्स, ठीक हो गया ना जी। तो सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो व्हेन दीज गेट्स ओपन सोडियम आयंस रश इनटू द न्यूरॉन बाय डिफ्यूजन एंड सम पोटेशियम आयंस मूव आउट, वो भी बाहर को जाते हैं। लेकिन अब बेटा जी क्या हो गया, अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो गई है और बाहर वाली साइड क्या हो गई है, लेस पॉजिटिव यानी नेगेटिव, लेकिन ये एक पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन में हुआ है, एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गई, नर्व इंपल्स पैदा हो गई, अब आगे कैसे रन करेगी,
ये सुन ले, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ सर गुलाम हुसैन आपको बताएंगे। ठीक हो गया ना जी, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये जो सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ये जो सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं ना, ये अगले सोडियम गेट्स को, अगले सोडियम गेट्स को, क्योंकि अगली जगह पे तो स्टिमुलस नहीं लग रहा, स्टिमुलस तो सिर्फ इस जगह पे लग रहा है, लेकिन अगले सोडियम गेट्स को ओपन करने की वजह कौन होंगे, अंदर आने वाले सोडियम आयंस। जैसे जैसे सोडियम आयंस अंदर आते जाएंगे वो अगले सोडियम गेट्स को ओपन करते जाएंगे, और इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल आगे 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 को रन करता जाएगा। ठीक हो गया ना जी, पीछे क्या होता जाएगा, पीछे वाला बाद में बताते हैं। पीछे जब वो रिपोलराइजेशन होनी है और रिकवरी होनी है, तो जिसके नतीजे में दोबारा से एक्शन पोटेंशियल को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में, लेकिन अभी कहानी बाकी है जी। तो क्या होता जाएगा, जो सोडियम आयंस स्टिमुलस लगने की वजह से अंदर आए थे, स्टिमुलस ने आके पहले सोडियम गेट्स को ओपन किया, सोडियम आयंस अंदर आ गया है, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, वो अंदर आने वाले सोडियम आयंस अगले सोडियम गेट्स को, जहां पे स्टिमुलस नहीं लग रहा लेकिन अगले सोडियम गेट्स को ओपन करवाते जाएंगे, और इस तरह से नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, सेल बॉडी पे पहुंचेगा, सेल बॉडी से एक्सॉन पे पहुंचेगा, एक्सॉन से एक्सॉन के नर्व एंडिंग्स पे पहुंचेगा, फिर क्या होगा वो बताते हैं बाद में, अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में जी। तो बेटा जी क्या जी, नंबर दो पे चार्जेस आर रिवर्स्ड हो गए, आपको पढ़ा दिया, द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयंस, दस पॉजिटिव चार्ज आर एट द इंटरनल सरफेस एट द आउटर सरफेस बिकम्स मोर नेगेटिव जी। नंबर तीन पे क्या लिखा हुआ है, पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन टेंशन, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन टेंशन द न्यूरॉन कंडक्ट्स द नर्व इंपल्स, असल में वो किसको, नर्व इंपल्स को नहीं, एक्टिव मेम्ब्रेन टेंशन गुजर रहा है, आगे आगे चल रहा है। ठीक हो गया ना जी, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स जो है, तो कंडक्ट्स द इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, देखिए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, एक वेव एक्टिव पोटेंशियल की पैदा हो गई, अब वो आगे चलती जाएगी। आप पानी में एक जगह पत्थर फेंकते हैं, उस जगह पे एक्टिव पोटेंशियल पैदा हो जाता है और फिर वो आगे रन करता चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह से इस जगह पे स्टिमुलस लगा, इसी स्टिमुलस ने अगले सोडियम गेट्स भी, यहाँ पे जो सोडियम आयंस अंदर आएंगे वो अगले सोडियम गेट्स को भी स्टिमुलेट करते जाएंगे और ओपन करवाते जाएंगे, और इस तरह से एक्टिव पोटेंशियल आगे भी शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है ना जी, सेल बॉडी और एक्सोन तक जी। अब वापस कैसे आएगा, तो बेटा जी आपकी किताब में जो है वो आगे पैराग्राफ जो है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट प्लस 0.05 वोल्ट प्लस 50 मिली वोल्ट एग्जिस्ट दीज चेंजेस अकर, यहां से हेडिंग क्या होगा, दीज चेंजेस से रिपोलराइजेशन, इसके अंदर दो हेडिंग बनाने हैं, पोटेशियम गेट्स ओपन। ठीक है जी, these changes occur along the length of neuron till the impulse reaches synapse। ठीक है, वो axon nerve ending के आगे क्या है, synapse है। तो soon after the passage of impulse, the resting membrane potential is restored। इसी action potential को restore किया जाता है, किसके जरिए से, repolarization के जरिए से, जिसमें क्या होता है, is restored by the movement of smaller number of potassium number of ions, especially potassium ions moving out। क्या होता है, फॉरन एक्शन पोटेंशियल के बाद जो है वो पीछे वाले पोटेशियम गेट्स, कौन, पोटेशियम गेट्स, ये ओपन हो जाते हैं, और ये ओपन होकर क्या पैदा करते हैं, रिपोलराइजेशन। ठीक है ना जी, डीपोलराइजेशन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रिपोलराइजेशन में दोबारा पोटेशियम आयंस बाहर को जब जाना शुरू कर देंगे, पोटेशियम आयंस बाहर को जाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, पोटेशियम आयंस बाहर को जाना शुरू कर देंगे, तो उसके नतीजे में बाहर वाली साइड फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, दिस न्यूरॉन, और फिर उसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करना शुरू कर देगा एंड रिकवर्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी पोलराइजेशन फिर हासिल हो जाएगी, दिस न्यूरॉन इज रेडी टू कंडक्ट द अनदर इंपल्स। बेटा जी ये आपकी फिगर 17.5, ये ना समझे कि ये वाली फिगर याद करनी है, ये तो बहुत आसान है, ये नहीं करनी, फिगर 17.5 याद करनी है। ठीक है ना जी, व्हेन ए न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेट किया जाता है, एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, जहां पे वो स्टिमुलेट स्टिमुलस लगता है, अंडरगोज अ मोमेंटरी रिवर्स चेंज, रिवर्स इन रिवर्सल इन चार्जेस,
ठीक है जी। डार्क कलर उसको रिप्रेजेंट कर रहा था ऊपर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल परहैप्स फॉर अ मिली सेकंड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव। मैं रेड लाइंस पढ़ रहा हूँ ठीक है ना जी। तो पॉजिटिव रिलेटिव टू द आउटसाइड बी डायग्राम में क्या गया सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस एसोसिएटेड विद एन एक्शन पोटेंशियल। नंबर वन पे स्टिमुलस लगा रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। नंबर दो पे सोडियम गेट्स ओपन होते हैं एंड सोडियम आयंस डिफ्यूज इनटू द सेल अंदर आते हैं कॉजिंग डीपोलराइजेशन और वो डीपोलराइजेशन करते हैं। देख ले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम गेट्स ओपन डीपोलराइजेशन हो जाती है अंदर वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है। नंबर तीन पे सोडियम गेट्स क्लोज कर जाते हैं और पोटाशियम गेट्स सोडियम गेट्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे ये सोडियम गेट्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे और पोटाशियम गेट्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये सोडियम गेट्स ओपन हुए हुए थे ये वाले क्लोज होना शुरू हो जाएंगे ये ओपन होना शुरू हो जाएंगे फिर यहाँ पे जो पोटाशियम गेट्स हैं वो फिर ओपन होना शुरू हो जाएंगे ये बंद होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से वो पीछे रिपोलराइजेशन होती जाएगी। दिस न्यूरोन इज नाउ रेडी टू सॉरी तो पोटाशियम आयंस एंड पोटाशियम गेट्स ओपन पोटाशियम डिफ्यूजेस आउट कॉजिंग ए रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नंबर पांच पे सोडियम पोटाशियम पंप फिर अपना काम करते हैं और दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ओरिजिनल ठीक है ना रिस्टोर द ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट ठीक है ना एंड रेस्टिंग पोटेंशियल जो है उसको दोबारा सेटअप कर देते हैं रिकवरी जिसे कहते हैं स्टेप टू टू फाइव दो से पांच ठीक है जी। दो से पांच तक जो है ये स्टेप्स जो है वो जस्ट मिली सेकंड्स लेते हैं बेटा जी। अगला हेडिंग जो है वो आपका क्या है अगले पेज 63 पे 63 पे हेडिंग क्या है जी स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स तो बेटा जी इट मे बी एडिड दैट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड वो शिवान सेल्स वाले में जैसे हमने एक्सॉन में देखा था फ्रॉम नोड टू नोड नोड ऑफ रेनवियर दिस इज कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्स। येलो बॉक्स जो है द नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इन ह्यूमन इज 100 मीटर्स पर सेकंड। एक मीटर में 3 फुट होते हैं मेरा कहता 5 फुट है यानी अगर मेरे सर से मेरे पांव की उंगली तक जो है वो किसी नर्व इंपल्स ने जाना है तो तकरीबन उसको एक सेकंड में ये 100 मीटर लगते हैं तो वो तो पूरे 6 मीटर में वो 6 मीटर मेरी यानी कि अगर सॉरी 6 फुट मेरी हाइट है तो वो 2 मीटर के करीब करीब बनती है तो एक सेकंड में 100 मीटर कवर हो सकते हैं तो अभी तो सिर्फ 2 मीटर ही चाहिए मेरे तो इस तरह से पर सेकंड। बट मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्डेड इज 120 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा जी आज का आपका लेक्चर है। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछें साथ सपोर्टिंग वीडियो है उस वो आपको मदद करती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो आमीन शुक्रिया।